वेलकम एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स के बारे में। वहाँ पे बहुत ही बड़ा नाम निकल के आ रहा है। आप लोगों को जैसा मालूम होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप अभी फिलहाल में चल रहा है। वहीं पे इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड में रचिन रविंद्रा ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी पारी खेल ली है। उन्होंने शतक मार दिया है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। वो भी एक युवा प्लेयर, मतलब 23 साल के वो प्लेयर हैं, और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ सेंचुरी बना दी है न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हुए। तो मेरे हिसाब से आरसीबी उन्हें टारगेट करने के बारे में अब सोचना चालू कर दिया है। क्योंकि आप लोग को मालूम है, रचिन रविंद्रा बहुत ही ज़्यादा यंगस्टर हैं। आप लोग जैसे मालूम है, अगर आप रचिन रविंद्रा अभी यंग है, आप लोग उन्हें फ्यूचर के लिए ग्रूम भी कर सकते हो अपनी टीम में रख के। क्योंकि आप लोग को मालूम है, ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, और आप लोग मालूम है कि आप लोगों को आईपीएल में ऑलराउंडर देखने को बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। वहीं पर रचिन रविंद्रा अगर आरसीबी की टीम में आते हैं, तो मेरे हिसाब से आरसीबी ने जरूर से नंबर 3 पे खिलाना चालू कर देगी। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, नंबर 3 पे खेलते हुए ही उन्होंने सेंचुरी बनाई है, वो भी इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के ओडीआई वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच में। आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर का गेम होगा। वहीं पर उन्होंने मार्क वुड की पेस झेली है, लियान लिविंगस्टन, आदिल राशिद हो गए, क्रिस बॉक्स हो गए, सैम करन, इन सब बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई की है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी जरूर से उन्हें टारगेट करने के बारे में सोचेगी। क्योंकि अगर कोई बंदा इतनी अच्छी पेस खेल सकता है, इतनी स्पीड में पेस खेल सकता है, वहीं पे स्पिन भी आदिल राशिद हो गए उनके पास, लियाम लिविंगस्टन स्पिन कर लेते हैं, तो इन अगर इन सबकी स्पिन वगैरह भी खेल सकता है, तो आप लोग समझ सकते हो वो प्लेयर कितना ज्यादा अच्छा होगा, और फ्यूचर में वो प्लेयर कितना ज्यादा बड़ा प्लेयर बनने वाला है, ये भी आप लोग समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आरसीबी को जरूर से टारगेट कर लेना चाहिए। आप लोग जैसा कि मालूम होगा, रचिन रविंद्र आईपीएल के ऑक्शन में जरूर से आएंगे, और सबसे पहली टीम रहेगी जो उन्हें शायद बाय करती हुई नजर आएगी, वो होगी आरसीबी। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोग इस वीडियो बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।